डियर फ्रेंड्स, आप में से किसी ने कमेंट किया हुआ है कि क्या कंप्यूटर टाइपिंग कंपलसरी है सो इन द केस ऑफ SSC स्टेनोग्राफर। आपका जो प्री होता है वो रिटेन होता है, उसमें आपको टाइपिंग जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप स्किल देना जाएंगे, स्किल टेस्ट इन द सेंस शॉर्ट हैंड जो कोड लैंग्वेज आप सीखते हैं, ठीक है, वो जब आप 80 वर्ड पर मिनट या 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से लिख लेंगे इन द सेंस आपने उस उसकी जो आउटलाइन से वो बना के रख ली, फिर आपको वो मैटर टाइप करना होता है सिस्टम पे। तो अगर अगर आपको टाइपिंग नहीं आती, देन हाउ विल यू टाइप द मैटर ऑफ 800 वर्ड और द 1000 वर्ड इन द गिवन टाइम, फिर कैसे टाइप करेंगे? तो इसके लिए 65 मिनट मिलते हैं, ठीक है, हिंदी वालों के लिए। तो इसके लिए आपका ज़रूरी है टाइपिंग आना, ऐसा नहीं है, नो सर्टिफिकेट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ द टाइपिंग, ठीक है, एंड नीदर द सर्टिफिकेट ऑफ शॉर्ट हैंड इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन या फिर DB के टाइम। आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप स्किल क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये आपको समझिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट हैंड के साथ साथ आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, चाहे वो इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखे हो आप या हिंदी। अगर आपने हिंदी शॉर्ट हैंड सीखी हो देन यू मस्ट नो द हिंदी टाइपिंग, एंड इफ़ यू हैव लर्न द इंग्लिश शॉर्ट हैंड देन यू मस्ट नो द इंग्लिश टाइपिंग, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, अदरवाइज आपको बड़ी दिक्कत होगी। आप इतने सारे वर्ड्स गिवन टाइम में नहीं टाइप कर सकते, तो नॉर्मल सी बात है, यू हैव टू लर्न टाइपिंग।